सो वेलकम बैक गाइस, वीवो अपना एक न्यू स्मार्टफोन वीवो T2 Pro 5G फोन इंडिया के अंदर लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी इंडियन लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हम लॉन्च से पहले इस फोन का फर्स्ट लुक आपको दिखाएंगे और बात करेंगे कि आपको इस फोन के अंदर कैसा लुक एंड डिजाइन मिलने वाला है, उसके साथ में इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, कब ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा और इसका इंडिया में क्या प्राइस रह सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं वीवो के T2 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह का डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये फोन बैक साइड से ग्लॉसी ग्लास बैक के साथ आने वाला है। ऊपर के साइड आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको एक ऑरा लाइट भी देखने को मिल जाती है। वहीं आपको नीचे के साइड वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी और बैक साइड में देखने में तो ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा। वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको बेजल्स और चिन ना के बराबर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रंट साइड से भी ये फोन आपको काफी अट्रैक्टिव मिलने वाला है। ओवरऑल इसके डिजाइन एंड लुक की बात करें तो वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो कि देखने में प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगने वाला है। इसका डिजाइन आपको थोड़ा बहुत वीवो के S17e फोन की तरह देखने को मिल जाएगा, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उसी के साथ में अभी इंडिया में जो रिसेंट में लॉन्च हुआ है IQ का Z7 Pro 5G फोन, उसके अंदर भी आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में आपको 1 बिलियन कलर्स, HDR10+, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे सारे फीचर भी आपको इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आपको फोन के अंदर कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे चिन और बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। उसके साथ में फोन की जो डिस्प्ले है, इसकी क्वालिटी भी आपको काफी बेस्ट देखने को मिल जाएगी। इस फोन के अंदर आपको MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये काफी सुपर फास्ट प्रोसेसर है, जहाँ पर आप अपने डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क बिल्कुल इजीली कर पाओगे। उसी के साथ में एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, जिसके वजह से आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये सेम प्रोसेसर आपको IQ के Z7 Pro 5G फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। और इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो वो आपको 7 लाख से अबव देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि इस फोन के अंदर आप गेमिंग, स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग बिल्कुल इजीली कर पाओगे। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि आपका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS सपोर्ट, वहीं आपका सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और इस फोन के अंदर आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑरा लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। वहीं आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो व्हाइट और येलो कलर में, जो कि रात में काफी यूजफुल है। इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी और इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। बैटरी सेगमेंट की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 4600mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ में आपको 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, वही इसका थिकनेस 7.36mm और इसका वेट 175g देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्राइस की, तो इस फोन का 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट इंडिया में आपको 25,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है और शुरू में आपको कुछ डिस्काउंट और ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके इंडियन लॉन्च डेट की बात करें तो ये फोन 22 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन और हाइलाइटेड फीचर्स वीवो T2 Pro 5G फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपको क्या लगता है इस फोन का प्राइस इंडिया में क्या हो सकता है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।